इसी के साथ संगत जी आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और आज इनवाइट करेंगे नारायण भारद्वाज अंकल को। नारायण अंकल आए और सत्संग शेयर करें। सभी संगत को जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी महाराज की आज कृपा हुई है कि जो गुरु जी ने हमारे ऊपर कृपा की है उसको हम आप सभी के बीच में शेयर कर सके। मैं गुरु जी से जुड़ा और जो महाराज ने हमारे ऊपर हमारे परिवार की को सबके ऊपर कृपा की है वो पर्सनल हमारे एक्सपीरियंसेस हैं वो मैं आप सभी से शेयर करूंगा। मैं सबसे पहले ये बोलूंगा कि अगर मैं आज के दिन आपके सामने बोल रहा हूँ तो ये महाराज की कृपा की वजह से ही बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा जो जीवन है वो नया जीवन जो महाराज ने दिया है वो उनकी कृपा से ही मिला है, नहीं तो मैं आप लोगों के सामने जीवित नहीं होता। शुरू से मैं बताता हूँ आपको कि हम महाराज के साथ महाराज ने हमसे को कैसे जोड़ा। तो गुड़गांव में गुरु जी आए थे, सत्संग हुआ था, तो मेरी आंटी और मेरे बच्चे छोटे थे उस समय पे, तो हमारे यहाँ पे पुष्कन्ना अंकल रहते हैं, उनकी आंटी ने बोला कि गुरु जी आ रहे हैं आप लोग चलो। मेरे से नहीं बोला, मतलब मेरी आंटी से बोला, तो वो गुरु जी के पास गए। गुरु जी ने उनको ब्लेस किया। जैसा कहा जाता है कि गुरु जी के पास परिवार का कोई भी एक सदस्य जाता है तो पूरा परिवार महाराज की कृपा से तृप्त हो जाता है। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ, लेकिन हमें क्योंकि तो मैं घर पे रहा था, मेरे घर से छोटा जो जिमखाना क्लब है हार्डली 5 मिनट का डिस्टेंस है, बट मैं नहीं गया था। उसके बाद में ये लोग आ गए। नॉर्मली कहीं किसी के यहाँ जाए जाके पापा से हमें कुछ बताया भी नहीं। उसके बाद में दीपावली थी, तो हमारा नेटिव प्लेस यूपी में है, तो मैंने एक टैक्सी की थी और मैं अपनी गाड़ी से नहीं लेके गया था, और मेरी आंटी ने कहा नहीं आप टैक्सी कर लो आप इतना लंबा प्रॉब्लम रहेगा, जो भी महाराज की मर्जी थी। तो वो ग्रीन कलर की गाड़ी थी, वो आई, हम अपने नेटिव प्लेस गए दीपावली को एक दिन पहले गए हम, और दीपावली के नेक्स्ट डे जब पड़वा होती है उस दिन हम वापस लौट रहे थे। तो हमने कहा वापस आते हुए हमारी सिस्टर रहती है, मैं जॉब करता हूँ तो किसी से मिलना नहीं हो पाता, तो मैं सोचता आते वक्त मेरी सिस्टर अलीगढ़ में रहती है कि मैं उनसे मिलते हुए आऊंगा। तो करीब करीब अलीगढ़ से 10 किलोमीटर पहले शाम का समय था, करीब 6-6:30 का समय था, सनसेट हमेशा वाला था। तो मेरी जो गाड़ी मेरा छोटा बेटा आगे बड़ा बेटा आगे बैठा हुआ था, छोटा ऐसा करीब 2-3 साल का था, तो हमारी गोद में लेटा हुआ था। तो हमारी गाड़ी जो आगे जा रही थी सामने से ट्रक खड़ा हुआ था लेफ्ट साइड में, तो ड्राइवर ने ओवरटेक किया, उसकी स्पीड भी कार की काफी अच्छी खासी 90-100 रही, सामने से बस आ गई और बस से हमारी कार टकराई, और हमने देखा कार 3 बार घूम घूम के टकराई बस से। और उसके बाद में जो कार थी वो रोड साइड में जो गड्ढे होते हैं पानी भरा होता है उसमें मतलब दोनों पहिए ऊपर होके खड़ी हो गई साइड से। तो उस समय मेरे सर में हल्की सी चोट लगी, मतलब गाड़ी के कार के सर में लगा, और मेरे को लगा कि मैं बहुत ही दूर कहीं टनल में जा रहा हूँ। उस तरह में मतलब वापस आ गया, एकदम मेरे को झटका सा लगा। तो मैंने देखा तो सबसे पहले क्योंकि कार का जो फ्रंट डेन स्क्रीन पूरा टूट गया था, तो मैं उससे बाहर निकला। उस इतनी देर तक बस के लोग उतर के आ गए, तो उन्होंने देखा, उन्होंने सोचा था इसमें कोई बचा नहीं होगा कि इतना सीरियस एक्सीडेंट हुआ था, गाड़ी तो पूरी खत्म हो गई थी, मेरा बेटे के सर में चोट लगी थी, सबके हल्की हल्की से खरोचे आई थी। सबसे पहले मैं बाहर निकला, बाहर निकले तो सारे बच्चों को बाहर निकाला, और उसके बाद में मैंने अपने जीआई को फोन किया जो अलीगढ़ में रहते हैं कि ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया। और उसका मेरे को तो एड्रेस लोकेशन नहीं मालूम था, तो मैंने वहीं के लोगों को बोला कि आप जरा बताओ उनको कहाँ आना है। उसके बाद में मेरा मेमोरी लॉस हो गया, मैं किसी को पहचान नहीं पा रहा था, और मैं ये भी बोला था कि ये बच्चे हमारे कहाँ गए, ये गाड़ी किसकी है, ये लोग क्यों खड़े हुए हैं इस तरह से। और उसके बाद मैं सिस्टर के यहाँ गया, मैं पूरी उन्होंने डॉक्टर को दिखाया क्या, मैं पूरा का पूरा टाइम हमारे लिए एक बहुत ही
डिफिकल्ट रहा। मेरे लिए तो ये लगा कि मेरे को तो उस समय कोई मेंटली कोई सेंस था ही नहीं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, बट मेरी जो वाइफ और बच्चे थे, मेरी सिस्टर थी, वो लोग बहुत घबरा गए। मेरी आंटी के पास में गुरु जी का स्वरूप था, वो गुरु जी से बराबर प्रार्थना करती हुई, गुरु जी कृपा हुई कि मैं जब सुबह उससे पहले मैं बताऊंगा कि रात में मैंने खाना खाया तो मैं मेरी कंडीशन ये होगी कि जो भी चीज मैं करता था मेरे को याद नहीं रहता था, बार बार रिपीट करता था, मेरे को मालूम नहीं पड़ता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। सुबह 10 बजे मेरी करीब आँख खुली तो मेरे को थोड़ा थोड़ा नॉर्मल हुआ, मैं वॉक किया तो सबको ठीक लगने लगा, ठीक है। उसके बाद में मैं फिर गुड़गांव वापस आ गया और एक दिमाग में मेंटल शॉक लगा हुआ था, तो हमारे घर वाले सारे बहुत परेशान थे, गाड़ी की कंडीशन देख के ये कि भाई सारे लोग बच कैसे गए, केवल गुरु जी कृपा थी कि मैं हम उस दिन पूरे परिवार के सहित जीवित बच गए। उसके कुछ दिनों बाद फिर हमारी आंटी ने बोला कि हम गुरु जी के पास चलेंगे एम्पायर स्टेट में, तो उसका आंटी हमको लेके गए और उसमें गुरु जी महाराज एम्पायर स्टेट में दर्शन दिया करते थे। शाम को हम लोग 7 बजे जाते थे और 9 बजे लंगर उठता था और लंगर लेने के वापस आ जाते थे। अच्छा, हमको ये एक्सीडेंट हुआ, हमें कुछ नहीं मालूम पड़ा कि हमें बचाया गुरु जी महाराज ने बचाया, क्योंकि हमें उस समय तक कुछ मालूम नहीं था। तो गुरु जी के पास जाते थे, अलग सा अट्रैक्शन होता था और हम उनके पास तो जाया करते थे, बट जो गुरु जी का हुक्म होता था, आदेश होता था कि वो सबको और संगत के द्वारा ही मैसेज मिलता था। तो एक बार बोला गया कि कोई भी बच्चों को लेके नहीं आएगा, तो हमारा छोटा बेटा था वो, उसके जब से वो हुआ था तब तक हर महीने उसको कोई ना कोई तकलीफ बनी रहती थी उसके साथ में, कभी फीवर आ गया, मतलब नेक्स्ट वीक में, मतलब महीने के कम से कम 3 से 4 वीक, 4 में से 3 वीक तो कम से कम बीमारी रहता था वो। और उसको दवाई पे ही रखा खिलाना पड़ता था उसको। तो एक दिन हम जा रहे थे एम्पायर स्ट्रीट, तो नॉर्मली हम अपने बच्चों को, हमारे जहाँ रहते हैं गुड़गांव में काफी संगत के लोग, हम आपस में एक दूसरे से टर्न बाई टर्न छोड़ के आते थे। उस दिन उसको बुखार आ गया, तो पुष्कर आंटी ने बोला कि नहीं, इसको तो आप ले जाओ, ये यहाँ रुकने वाला नहीं है। तो हम उसको लेके गए, पर गुरु जी का आदेश नहीं था कि भाई बच्चों को लेके आए, तो मैं बास्केट के बाहर खड़ा रहा उसको गोद लेके। मेरी आंटी गई, उन्होंने गुरु जी को माथा टेका, फिर मैं गया, मेरी आंटी ने बाहर लेके खड़ा कर लिया। तो हम लोग ये सोचते गुरु जी तो देख नहीं रहे हैं इसको, तो हमें डांटनी पड़ेगी। फिर हम चुपचाप ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे आके बैठ गए। मन में एक भय था कि भाई मजबूरी भी थी कि ऐसे ऐसे हम उसको लेके आए। तो सिंगल अंकल थोड़ी देर बाद आए, सिंगल अंकल बोलते हैं इसको क्यों गोद में रखा है, ऊपर एक सूखा पड़ा था कि इसको इसको लेटा दे। वो गुरु जी के कृपा से वहां पे लेट गया, उसने बिल्कुल कुछ बोला ही नहीं। 2 घंटे बाद हमें लंगर का सिस्टम आया, तो हम लोग, अगर आप में से कोई एम्पायरशिप गए होंगे तो वहां पे किचन के लेफ्ट साइड में स्टेयर्स के नीचे की जगह है जहाँ पे हम वहां जाके बैठ गए, हमने वहीं पे बैठ के लंगर किया। और बेटे को भी थोड़ा एक वो प्रसाद थोड़ा सा खिला दिया था गोद में था। उसके बाद में कि गुरु जी के पास सेम वे में हमने मत्था टेका, हम बाहर खड़े हो गए उसको लेके, मेरी आंटी गई। और उसके बाद में हम गाड़ी में बैठे, गाड़ी बाहर खड़ी थी तो एक संगत और थी हमारे साथ में जो गए थे, वो भी हमारे साथ वापस आए थे। तो गाड़ी में बैठते ही गुरु जी की इतनी तेज फ्रेग्रेंस, हमारी पूरी की पूरी कार गुरु जी के फ्रेग्रेंस से भर गई। हमें बहुत ही खुशी हुई क्योंकि इतनी खुशबू आ रही है, हमें उस समय कुछ नहीं मालूम होता था कि इतनी खुशबू क्यों आ रही है। और हम जब गुरु जी के यहाँ से वापस गुड़गांव आए, तो घर पे आए तो घर पे भी बहुत गुरु जी की फ्रेग्रेंस। तो हमने फिर उनको, माया जो संगत है पुष्करना आंटी को फोन किया, तो उनको बहुत खुशबू आ रही, वो भी आए देखे। उन्होंने आए तो उन्होंने बोला कि अरे ये तो खुशबू तो हमारा छोटा बेटे का नाम है निशु, तो निशु के पास आई, उसके पूरे कपड़ों से शरीर से गुरु जी की फिटनेस। तो हम लोग तो ये समझ रहे थे कि हम गुरु जी कुछ नहीं मालूम है, हम उनके पास इसको लेके नहीं गए हैं, लेकिन गुरु जी को सब कुछ मालूम था। अच्छा, दूसरी बात, और गाड़ी में एक जो और बैठे थे उनको गुरु जी की फिटनेस नहीं आ रही थी,
हमको मेरी आंटी को बहुत बुजुर्ग फीमेल्स आ रही थी। तो उस दिन के बाद में मेरा जो बेटा बीमार रहता था तो गुरु जी ने उसको ब्लेस कर दिया, और ब्लेस भी इस तरह से कर दिया कि फिर वो कभी भी इतना, मतलब कहते ना गुरु जी आपके 90% कष्ट काट देते हैं और 10% आपको सहन करने की के लिए वो पूरी शक्ति देते हैं आपको। हम लोग इस तरह से गुरु जी के पास जाते थे, हम जब गुरु जी के पास जाते थे तो वहां पे ऐसे नहीं गुलाब के खुशबू के फुब्बारे से हमको नजर आते थे। हिंदी मूवी में जैसे किसी अपने हमने मूवी देखते हैं ना तो उसमें वो फ्यूम से उठते हैं, हमें इस तरह से फील होता था। तो हम कभी कभी मन में होता था कि ये लगता है यहाँ परफ्यूम वगैरह डाल देते हैं, क्योंकि हमारी सोच तो इतनी है क्योंकि हमने कभी किसी महापुरुष और ऐसे बारे में देखा भी नहीं था ना सुना था। ये चलता रहा सिलसिला इस तरह से। और एक बार क्या हुआ कि जब हम गुरुजी के बैठे थे उसी समय पे गुरुजी ने जो सत्संग आजकल हम कर रहे हैं वो तो गुरुजी महाराज ने गुड़गांव से ही चालू करवाया था। तो उस समय सत्संग क्या है महीने में किसी एक के घर में होता था और हम सारे लोग जाते थे, तो 2 घंटे का सत्संग होता था और लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते थे। तो एक बार मैं सत्संग में गया तो हमने सोचा कि भाई ये किस तरह का, क्योंकि हम जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ है वो तो काफी धार्मिक प्रवृत्ति के लोग, सारे हमारे फैमिली मेंबर्स सुबह शाम पूजा करने वाले, और हर पूर्णमासी को ऑलमोस्ट सत्यनारायण की कथा होती थी हमारे घर पे। हमने वही सब देखा है, हवन होता था सारी चीजें। लेकिन मैं पर्सनली आपको बताऊं कि मेरा ईश्वर में कोई विश्वास नहीं था। मैं कहता सब ये करते हैं तो इस तरह से हम भी उसको फॉलो करते थे एज ए डे टू डे एक्टिविटी। तो वही मन में सत्संग में ये बात आई मेरे मन में कि ये किस तरह की पूजा है, यहाँ पे लोग सबक चलते हैं, लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, हमारे यहाँ तो सत्यनारायण कथा होती थी। तो इतने में हमारे कमांडर अंकल खड़े हो गए, जो मेरे मन के सवाल थे और जो बातें थी तो उन्होंने एक एक करके उसका आंसर देना चालू कर दिया। देखो यहाँ गुरु जी सत्संग में क्या करते हैं, जैसे सत्यनारायण की कथा में एक वो लीलावती कलावती होती है, वो पूजा करते हैं ईश्वर को याद करते हैं तो उनकी नाव को सारे सब ठीक हो जाते हैं, वो अपनी पूरी कहानी सुनाते हैं इस तरह से। कहते इसी तरह से जो जेतरा अंकल हमारे सत्संग सुना रहे हैं वो लाइव सुना रहे हैं, उनके ऊपर जो ईश्वर की कृपा हुई, गुरु जी महाराज हमारे भगवान है तो वो यहाँ से सुना रहे हैं। तो वो महाराज ने मन से एक चीजें क्लियर करना चालू कर दिया। सत्संग में हम बहुत चीजें सुनते थे। एक बार एक निशु करके है तो उसने सत्संग सुनाया कि उसके घर में लाइट नहीं थी और उसने प्लग लगा दिया तो उसका इंटरनेट कनेक्शन चल गया और उसने अपने जो यूएस में बात करनी थी तो बात भी कर डाली। पता ये सब क्या बोलते रहते हैं, हमारी तो कुछ समझ में आता नहीं था ये सब कैसे क्या नहीं है। तो कहते हैं कि सत्संग में जाने से ही आपके जो मन का मैल और मन के वो विचार गुरु जी आपके मन में लाते हैं। तो एक बार की बात है, हमारा जो छोटा बेटा है तो उसको रात को बुखार आ गया। बुखार आ गया सुबह 2:30 बजे का टाइम था और हमारे पास ये पोषण का सीरप हुआ करता था, जो बुखार में नॉर्मली पिलाते थे हमको, तो हमारे पास एक ही उसमें चम्मच बचा हुआ था। तो हम जैसे उसके पास मेरी खिलाने के लिए हम लेके आए तो उसने क्या किया, उसने हाथ मार दिया, वो दवाई नीचे फैल गई। अब हम बहुत ही परेशान, हम सत्संग रहते थे तो कहते आप जब भी कभी तकलीफ में हो तो गुरु जी को याद करो। तो वो मेरे लाइनी मेरे दिमाग में गुजी, हमने उसको गोद में लिटाया, उसके सर पे हाथ रखा और गुरु जी का मंत्र जो है ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय, मैंने इसका जाप चालू कर दिया। मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा उसका बुखार उतर गया, जो चिल्ला रहा था परेशान हो रहा था तो आराम से सो गया और फिर उसको बुखार नहीं आया। और दूसरा हो क्योंकि हम अपने बेटे को, तो गुरु जी का जो मंत्र है ये महामंत्र है, इसमें बहुत शक्ति है। जब भी आप कभी तकलीफ में हो तो महाराज को याद करने के लिए महाराज का मंत्र का आप जाप करें, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। दूसरा कहते ना गुरु जी आपके 90% कष्ट कटवा देते हैं, तो मैं जो बेटा और फैमिली में जो भी दवाइयां वाइया पहले एलोपैथी डॉक्टर के पास जाया करते थे, तो गुरु जी ने गुड़गांव में एक होम्योपैथिक के डॉक्टर हमको दिलवा दिए। तो जब भी कभी भी किसी को
टिल डेट हमारे फैमिली में किसी को तकलीफ होती है हम उनके पास जाते हैं, वो कुछ एक पिल्स वगैरह दे देते हैं और हम लोग खा लेते हैं। कोई भी बीमारी होती है बच्चों की, मेरी आंटी की, वो सब उसी से ठीक हो जाती है। तो ये महाराज की एक बहुत बड़ी मेहर है, क्योंकि हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ तो बीमारियां लगी रहती हैं, बट महाराज ने हमको ब्लेस कर रखा है इसके लिए। अब हम आपको एम्पायर स्टेट में जाने के कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। जब एम्पायर स्टेट में जाते थे तो वहां पे कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ कि गुरु जी संगत को तो नई संगत बुला के आओ, तथा जो पुरानी संगत है वो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे बैठेंगे जाके, बाकी सारे नीचे बैठेंगे। तो मैं तो थोड़ा बहुत ही हार्ड कोर डिसिप्लिन फॉलो करने वाला हूँ। मैं हम लोग पहुंचे, गुरु जी को मत्था टेका, मत्था टेके मैं फर्स्ट फ्लोर पर बैठ के जाऊँ। और मन में मैं बहुत ही गुस्सा कर रहा था कि देखो नीचे कोई नहीं है, मेरे को ऊपर बैठा दिया, मैं तो पुराना हो गया। तो उसके बाद में थोड़ी देर बाद सिंगल अंकल आते हैं, कहते हैं नारायण अंकल देखो ऐसा है कि आप नीचे बैठ जाए तो जब जगह होती है जैसे संगत आए पीछे हो जाओ, उसके बाद जब ऊपर आके बैठ जाओ। ओके, तो ठीक है हम ऐसे ही करेंगे। तो हम नीचे जाके बैठे, तो क्या हुआ कि एक दिन हमारे आगे कोई संगत बैठी, मेरी हाइट कम है, उनकी हाइट कोई ज्यादा थी, तो मेरे को गुरु जी महाराज नजर नहीं आ रहे थे। तो गुरु जी नजर नहीं आ रहे थे तो मैंने कहा यहाँ नीचे बैठ के इससे फायदा क्या है, नजर तो आ नहीं रही मेरे को ये। तो मैंने आंख बंद कर ली, तो मैंने आंख बंद की तो हमने गुरु जी महाराज, मैं देखता हूँ साक्षात सब्जी भगवान बैठे हुए हैं आसन पे। मैंने साइड से देखा गुरु जी बैठे हुए हैं, फिर देखा साइड से साक्षात सब्जी भगवान बैठे हुए। मैं देखता रहा और ये हमारा सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। उसके बाद में और संगत आई तो मैं ऊपर जाके बैठ गया और मैं ये पूरी चीजें मैं भूल गया। जब हम गुरुजी के पास जाते तो कहते थे मैं जो बोला गया मेरी आंटी और बोलते गुरुजी संगत को बहुत ध्यान लगवाते हैं कि कुछ कुछ संगत को लगाते हैं। तो ये जो एक्सपीरियंस है कि समाधि का, कि लोग समाधि में गुरुजी को बिठाते हैं आप लोगों को, तो हम जाते थे वहां पे हम एक घंटे दो घंटे जब गुरु जी के पास सब चलते थे बैठ जाते थे और एक जगह पे ऐसे बैठते थे। तो मेरी अवस्था ये होती थी कि ना तो मैं जग रहा हूँ ना मैं सो रहा हूँ। तो मैंने कई बार अपनी आंटी सवाल किए कि नहीं हमें सो गया था कि मैं जग रहा था, बोलते यहाँ सो गए हो गए, सो तो नहीं गया था। बट महाराज अपने साथ बिठा के जितनी भी संगत है उनको एक स्पेसिफिक अवस्था में ले जाते हैं, ध्यान की अवस्था में ले जाते हैं। अब हम लोग गुरु एम्पायर स्टेट जो जाते थे तो पहले गुरु जी महाराज को माथा टेकते थे, लंगर करने के बाद में फिर दोबारा हाथ बाहर जो दूसरा प्लॉट था वहां पे जल प्रसाद लेने के बाद आते थे। तो एक बार मैं आज्ञा लेने के लिए जा रहा था गुरु जी के पास में, गुरु जी के पास कोई ना कोई संगत बैठ के बात करती थी, गुरु जी धीरे धीरे बातें करते रहते थे। और उन्होंने एक बार अपना पैर ऊपर रख लिया, मुझे तो बहुत गुस्सा आया कि ये देखो, क्योंकि आप किसी के पास जाए और कोई आपको थोड़ा इग्नोर करे, हम तो उसी भाव में थे, गुरुजी तो अंतर्यामी हैं, उनको सब कुछ मालूम है कि इसके मन में क्या चल रहा है, उधर बात कर रहे थे। मैंने कहा मैं तो उनका चरण स्पर्श करने आया, एक पैर ऊपर रख लिया एक नीचे और मेरी तरफ देख ही नहीं रहे, ऊपर बात कर रहे हैं। मेरे मन में ये ख्याल आया जैसे मैंने मत्था टेका, गुरु जी का एक पैर ऊपर और गुरु जी महाराज के दो पैर नीचे, मेरे लिए एक पैर ऊपर रखा हुआ दो पैर नीचे, मैं बहुत खुश हो गया गुरु जी ने कि मैंने चरण स्पर्श कर लिए। तो गुरु जी मतलब ये देख के मैं बहुत ही आश्चर्यचकित रह गया कि ये ऐसे कैसे हो गया। तो हमको तब ही नहीं मालूम था गुरु जी महाराज साक्षात भगवान है, ईश्वर है। जब गुरु जी महाराज अपना चोला पहन के अपने रूम से बाहर निकलते थे तो जो कुछ संगत थी वो जहां जहां कदम रखते थे वहां पे संगत उस जगह को चूमती थी। फिर मैं सोचता था गुरु जी चरण के पैर क्यों चूमते हैं, मतलब इस जगह को क्यों चूमते हैं, क्योंकि उनको उस समय उस चीज का आवाज था, हमको नहीं था। जो हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था जो मैंने आपको बताया है, तो उस समय मेरे पास गाड़ी थी, एक्सीडेंट होने के बाद में
हम काफी डर गए थे। तो एक दिन गुरुजी महाराज ने मेरे को दर्शन दिए और देखा क्या मेरी जो गाड़ी है वो कोई दूसरा आदमी चला रहा है और उसने उस गाड़ी को ठोक दिया। मेरे पास होंडा सिटी थी गोल्डन कलर की, तो जो गाड़ी उसने ठोक दी फिर मैं बहुत परेशान हो गया। तो परेशान हो गया तो गुरुजी ने दरवाजा खोला, उसमें गाड़ी का जो इंश्योरेंस था वो आईसीआईसी लोम्बार्ड का था, उन्होंने पॉलिसी निकाली, कहते हैं ये इंश्योरेंस क्यों करा रखा है, चल ठीक करा चला। उसके बाद में मेरे मन से वो जो डर था वो सारा निकल गया। भाई मेरी कार के एक्सीडेंट बहुत हुए हैं, कई हुए हैं एक्सीडेंट, तो मेरी आंटी बार बार डर जाती थी इनके एक्सीडेंट हो गए, बट मैं बिल्कुल निर्भय हो गया गुरु कृपा से कि भाई जो एक्सीडेंट हो रहे हैं जितनी बार ठोके गई उतनी बार इंश्योरेंस करा के इसको ठीक कराएंगे चलाएंगे। अब हम एम्पायर स्ट्रीट जाते थे तो मेरी आंटी, मेरा बेटा छोटा था, हमने उसका मुंडन मतलब कराया था, बट मेरी आंटी बोला कि इससे हम तिरुपति बालाजी जाएंगे वहां इसका मुंडन कराएंगे। उन्होंने गुरु जी से प्रार्थना की तो हमको भी बोला कि इसको वहां लेके चलेंगे, ठीक है तिरुपति बालाजी चलते हैं। तो हमने जाने के लिए अपनी फ्लाइट की टिकट बुक करा ली दिल्ली से तिरुपति जाने की करीब एक महीने पहले से, और आने का हमने प्रोग्राम नहीं बन रहा पड़ा था हम कैसे करें। तो मैं ऑफिस में बैठा हुआ था तो मैंने मन में किया कि ट्रेन की टिकट बुक हो जाए, तो मैंने बोला गुरु जी ट्रेन की टिकट बुक करा दो, ये मन में मेरे विचार आया। तो हमारे ट्रेवल एजेंट है जो ऑफिस का टिकट बुक करता है, मेरा ऑफिस कनॉट प्लेस था उसमें, तो मैंने उसको फोन किया तो वो कहता है कि देखो अभी तो आप ट्रेन की टिकट तो मिल जाएगी, तो करीब उसका 1700-1800 रुपए का टिकट बनेगा आपका और एसी का हो जाएगा, तो हम देख के आपको बताते हैं। बोला कि अभी आप इतनी जल्दी बना रहे हो तो उस समय कि आप फ्लाइट की टिकट बुक कर सकते हो, सकता वो भी मिल जाएगी आपको, सस्ती भी मिल सकती है। अब उसने इतना बोला तो मैंने कहा अच्छा कर सकते हैं। उस समय एयर डेकन फ्लाइट चलती थी, तो मैंने नेट को सर्च किया, खोला तो मैंने इमीडिएटली लॉग इन किया और जो हमारा रिटर्न का डेट था उसके लिए मैंने टिकट बुक की। वो टिकट जो मेरे को शायद ऐसी 10 या 20 रुपीज में मिल गई, मैंने 4 टिकट बुक कर डाली, उसमें कुछ जो टैक्सेस थे वो एक्स्ट्रा थे, वो महाराज ने टिकट वो हमारी बुक करा दी। वो उसमें से हमें नहीं मालूम था कि गुरु जी ने कराया, बट मन में विचार आया था तो मेरे को याद रहा, वो महाराज की कृपा से ही हुआ टिकट जाने के लिए। क्योंकि तो हम लोग यहाँ से दिल्ली से तिरुपति बालाजी पहुंचे, पहुंचने के बाद में जब हम वहां पहुंचे तो हमने कोई पीआईपी दर्शन में उसने कुछ टिकट नहीं लिया था, तो हमें हमारे हम जहाँ गुड़गांव में रहते हैं मैं मारुति के एक एम्प्लॉई है तो उनका पोस्टिंग वहीं तिरुपति हुआ था, तो उनको उसी फ्लाइट मिले कुछ आप दर्शन करने के लिए आए हैं, उनके कुछ मारुति के डीलर्स बताते हैं कि ये यहाँ पे आपको वीआईपी टिकट मिल जाएगी यहीं से दर्शन करने के लिए, नहीं तो बहुत लंबी लाइन लगती है। हमने कहा ठीक है आपको वहीं से टिकट मिल गई नेक्स्ट डे मॉर्निंग दर्शन करने के लिए। देखिए जो हमारे मन में भय और शंकाएं रहती हैं गुरु जी उनको बहुत उससे बाहर निकालते हैं। हमारा कार से एक्सीडेंट हुआ था और जिस कार से एक्सीडेंट हुआ था वो ग्रीन कलर की थी। हम जब तिरुपति एयरपोर्ट से हमें टैक्सी बुक की वो भी एम्बेसडर की, वो भी ग्रीन कलर की। हम गाड़ी को टैक्सी को देखते ही डर गए, फिर हमने बोला ये तो, मैंने कहा चलो गुरु जी हमारे साथ में है। हम लोग गए गाड़ी में बैठे, हमने जहाँ रुके हुए थे होटल में वहां गए, वहां रुके जाके नेक्स्ट डे मॉर्निंग 3 बजे हम उठ के गए, हमने दर्शन किए। अब बेटा हमारा छोटा था, हमें मालूम ही नहीं था कि भाई मौसम सुबह ठंडा होता है बच्चे के लिए गर्म पानी चाहिए। गुरुजी ने ही हमारी पूरी की पूरी ट्रिप ब्लेस कर रखी थी जाने के लिए, तो हमें वहीं पे क्योंकि हमने दर्शन सुबह के लिए थे, स्पेशल दर्शन के ज्यादा लोग नहीं थे, कुछ ही लोग थे वहां पे, तो हमें वहीं पे साउथ इंडियन कोई मिल गए, उन्होंने बोला कि ऐसे जब बुलाया, हमने उनसे गुरु जी के बारे में सत्संग करने लगे, बोले मैं तो कृष्ण भक्त हूँ मैं तो वृंदावन गाता हूँ, तो उनसे थोड़ी बातचीत होगी अच्छी, तो उन्होंने बोला इसका मुंडन कराना है, हमने बोला ठीक है, तो उन्होंने बोला कि नहीं हमने यहीं पे रूम ले रखा है ऊपर मंदिर के पास में आप वहां आ जाना। अब वो हमारे साथ पूरे समय रहे, उन्होंने
अपने रूम में वहां पे ले गया, गीजर था, वो पानी नहीं, सब में सब कुछ कराया, उसके जो हेयर कट वगैरह जो कुछ हमने करने थे वो बाकायदा हम दर्शन करके हम लोग वापस आ गए। अब वापस आने के बाद में हम रिटर्न जो था वो चेन्नई से था, तो हम चेन्नई पहुंचे। चेन्नई पहुंचने के बाद में क्योंकि हमारा चेन्नई से नेक्स्ट डे मॉर्निंग की फ्लाइट थी दिल्ली की, अब मैंने वहां पे होटल बुक कर लिया था, मेरे कंपनी का ऑफिस भी चेन्नई में है, बट वो उन्होंने, मैं टैक्सी का वेट करूँ, टैक्सी से नहीं आई। मेरा बैचमेट है वो एक कंपनी का सीईओ था वहां पे, उसमें भी पोस्ट चेन्नई में था, तो मैंने उसको फोन किया, जो गुरु जी प्लान करते हैं वही होता है, तो मैंने उसको फोन किया तो बोलता है कि अच्छा आप यहाँ आई हो, हमने जैसे मैं इधर आया था तिरुपति बालाजी दर्शन के लिए, तो अच्छा आपको गाड़ी चाहिए होगी, मैंने कि हाँ मैं गाड़ी भेज रहा हूँ, और उसके बाद आप होटल में जाके फिर आपको जो टैक्सी ड्राइवर है वो आपको यहाँ पे चेन्नई में थोड़ा दर्शन भी करा देगा, घुमा देगा, साइट सीइंग करा देगा, हम लोग रात में मिलते हैं, डिनर करेंगे साथ। हम लोग होटल में गए, रुके जाके, फिर हम गाड़ी में बैठ के घूमने के लिए गए। तो वो उस दिन नॉर्मली हम हर शनिवार को गुरु जी के पास जाते थे, तो उस दिन हम जब घूमने के लिए गए तो वहां पे चेन्नई में बहुत बड़ा शिव जी का मंदिर है, कहते हैं 500-600 साल पुराना है, अंदर जाओ तो बहुत बड़ा शिवलिंग है। तो मेरी आंटी बोल रही थी, मेरा बेटे का उस दिन बर्थडे भी था, ये अगर आज हम वहां होते गुड़गांव में तो गुरु जी के पास जाते और इसको निशु को गुरु से ब्लेस कराते थे, अच्छा दिखाते। वो मेरे को ये बोल रही थी, और मेरा बेटा बोलता है मम्मी मम्मी देखो वो गुरुजी बैठे शिवलिंग पे, देखो हमारे आंटी की ये इच्छा हुई कि हम गुरुजी के दर्शन कराएं इसको, गुरुजी महाराज ने उस शिवलिंग में उस मेरे बेटे को साक्षात दर्शन दिए, वो बोलता था गुरुजी बैठे हुए हैं वहां पे। तो उसके बाद हम लोग वापस आ गए, वापस आने के बाद में गुरुजी के पास जाते रहे। अब क्या होता है कि गुरुजी महाराज कहते हैं अगर आप उनके पास जाते हैं तो मैंने एक्सपीरियंस किया है, तो आपकी पूरे परिवार, आपके रिश्तेदार नातेदार और जो भी आपसे कनेक्टेड हैं सभी को महाराज ब्लेस करते हैं। और मेरे पास ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, अगर समय मिला तो मैं सारे आपसे शेयर करूंगा। अब क्योंकि हम लोग गुरु जी के पास जा रहे थे तो मेरी मन की इच्छा हुई कि मेरे गुरु जी का स्वरूप उसमें बड़ी मुश्किल से मिलता था, अगर मिल जाए तो हमको मिल गया, तो मैंने सोचा कि गुरु जी महाराज का ये स्वरूप मेरे नेटिव प्लेस में मेरे भाइयों को पहुंचा, तो मेरा भाई जी ने कहाँ से घूम घाम के आया गुड़गांव आ गया, और हमने उसको गुरु जी का स्वरूप दे दिया, वो तो स्वरूप लेके चला गया। उसने स्वरूप से 2-3 स्वरूप और बनवा लिए, जितने लिए तो सबको दे दिए। तो मेरे जो बड़े भाई साहब हैं वो कभी यहाँ पे बड़े मंदिर नहीं आए, तो गुरु जी महाराज ने उनको साक्षात शिव जी के रूप में दर्शन दिए। अब जैसे शिव जी महाराज के ऊपर शेष नाग और उनके गले में नाग वगैरह सारा वो उस रूप में वो देख के डर गए, तो वो कहते तो तू मेरी रोज पूजा करता है, डर गया। फिर तो वो अपने जो फोटो में स्वरूप था उस स्वरूप में उन्होंने उनको दर्शन दिए। मेरे बड़े भाई साहब गुरु जी की बहुत बड़े भक्त हैं। अब उन्होंने हमारे यहाँ पे एक काम करता था, लड़का नौकर था, वैसे इस दुनिया में सारे बराबर हैं, नौकर और मालिक कुछ नहीं होता है, ठीक है, जो मेरी समझ में आया। तो उन्होंने, मेरे भाई साहब ने उसको भी गुरु जी का एक स्वरूप दे दिया उसको, तो गांव में रहता था, गांव से दूध लेके आता था, गर्मी हमारे से कुछ काम करता था, तो गुरु जी महाराज ने उसको भी साक्षात सिद्धि के रूप में दर्शन दिए। तो गुरु जी महाराज जो है कि अब वो कभी भी यहाँ पे नहीं आए थे, मतलब कि आई थिंक मेरे बड़े भाई साहब तो अभी तक नहीं आए हमारे यहाँ पे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि गुरु जी महाराज के पास हम जाते थे तो हमें बहुत ही अटैचमेंट हो गया कि हमारे पास सब कुछ, गुरु जी मैं सब कुछ भूल गया, अपने घर वालों को, बाहर वालों को सब कुछ कि भाई क्या होता है। तो एक आपको सत्संग सुनाते हैं, हमारी जिस कंपनी में मैं जॉब करता था उसके जो MD थे वो रिटायर हो गए थे, तो एक बार महाशिवरात्रि का फंक्शन था, उसके 8-9 दिन बाद मेरे को मालूम पड़ा कि
उनका कार का एक्सीडेंट हो गया है और वो अपोलो में एडमिट है। तो मेरे मन में बहुत, हमने क्योंकि उन्होंने हमारे साथ काम किया था और अटैचमेंट था, तो हमारी इच्छा हुई कि हम और उनको देखने के लिए जाएं, और मन में ये भाव भी था कि हमको गुरु जी का स्वरूप उनको दे देंगे जिससे वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। हम अपोलो में गए, वो आईसीयू में एडमिट थे और आईसीयू में नॉर्मली अलाउ करने के लिए करते नहीं है, बट गुरु जी के अजन क्या कृपा हुई कि वहां पे आधे एक घंटे हम वेट किया, मैं था, मेरा एक कुली और था, हम दोनों लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने पर्ची बना दी मेरे को, मम्मी का ऐसे से है, उनका कोई अटेंडेंट वहां पे नहीं था, हम आईसीयू उनको देखने के लिए गए तो उनकी कंडीशन जो देखी, उनके वेंटिलेटर लगा हुआ था और पैर में फ्रैक्चर था, गले में भी फ्रैक्चर था और दोनों टांगे बिल्कुल लटकी हुई थी। मैंने किसी को अपनी इस कंडीशन में देखा नहीं अपनी लाइफ में। तो उनका जो अटेंडेंट था उस आईसीयू में, उनका सन था जो यूएस से आया हुआ था, डॉक्टर था, तो उसने जैसे हमको देखा वहां आते हुए तो बोला कि आप लोग कैसे आ गए, किसने आपको अलाउ कर दिया? तो हमने बोला ना डॉक्टर ने अलाउ कर दिया कि हाउ दे कैन अलाउ, मेरे फादर को इन्फेक्शन हो जाएगा, आई डोंट वांट, नोबडी शुड सी हिम इन दिस कंडीशन, एनी हाउ हम देख दाख के उनको वापस आ गए। वो गुरु जी महाराज को हमें ये दिखाना था कि भाई देखो एक्सीडेंट का मतलब क्या होता है, क्योंकि हमारा कार का एक्सीडेंट हुआ तो मैं यही सोचता था हम तो बच गए इस तरह से। उनका भी एक्सीडेंट कैसे हुआ था, वो दिल्ली से कानपुर गए थे, कानपुर से वो LML लोहिया कंपनी है, उसमें डायरेक्टर थे एज ए कंसल्टेंट, तो कार से आ गए, तो कार से उनका बस से एक्सीडेंट हुआ और उनको एयर एम्बुलेंस से वहां से लखनऊ से यहाँ पे दिल्ली लाए गए और वो वेंटिलेटर पे थे 10-12 दिन से। जब हम आईसीयू से बाहर आए तो हमने उनकी जो वाइफ है तो वहां पे कैफेटेरिया वहां बैठी हुई थी, मैं उनसे मिला, नमस्ते किया, मन में यही भाव था कि हमको बताएंगे गुरु जी के बारे में ऐसा, लेकिन हम हमारे बोलने से पहले बोलने लगी, बेटा देखो हमारे इतने गेस्ट आ रहे हैं, कुछ अमेरिका से कुछ लंदन से और ये सब आ रहे हैं, तो मैं तो बिजी हूँ और आप भी उनको नहीं दे सकते हो और हम भी नहीं जा सकते हैं ना, कोई अलाउड ही नहीं जाने के लिए। तो मैं चुप हो गया क्योंकि वो एज में काफी हमसे बड़ी थी, तो और हमने उनको कुछ नहीं बोला, मैंने बोला कि नहीं हम तो उनको मिलकर देख के आ गए, वो हमारे जस्ट फेस देखते रहे। इसके बाद में हम घर आए, घर आने के बाद में हमने अपनी वाइफ को बताया ऐसे ऐसे उनको ये कंडीशन है और गुरु जी का उनको स्वरूप दे दें, तो वो बात नहीं बन पाई। हम मंदिर जाते थे तो मंदिर गए, हमने गुरु जी से प्रार्थना की कि गुरु जी उनके ऊपर कृपा करो, जो भी गुरु जी से हमने मांगा नहीं कि उनको ठीक करो या काकिया करो, उन्होंने जो भी उनके लिए उचित हो, क्योंकि उनकी कंडीशन बहुत खराब है। तो हमारे उनको जाने के थर्ड डे उनका वेंटिलेटर हट गया, ठीक है, और हमने उनके वाइफ को फोन किया, मतलब इश्क जाते हुए कि ऐसे ऐसे जीवन लेने वाले भी शिवजी महाराज होते हैं, देने वाले भी होते हैं, तो ऐसे बड़ा शिवजी का मंदिर है, वहां चले जाओ। तो उन्होंने फिर थोड़ा सा जताया कि वो नहीं जा सकते हैं इस कंडीशन में, तो उन्होंने कहा जो भी मंदिर हो आप वहां चले जाओ, हमने उनसे इतना बोला। यानी आओ वो लोग गुरु जी से नहीं के पास आए, नहीं आए, उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन मैं जब भी गुरु जी के पास जाता था मैं उनके लिए प्रार्थना करता था कि गुरु जी मुझे कृपा करो। तो जब उनका वेंटिलेटर हट गया उसके करीब करीब 3-4 दिन बाद मेरे को ड्रीम आया कि वो ठीक हो गए हैं और व्हील चेयर में बैठे हुए हैं। हमने अपने घर में सुबह उठ के फोन पर बताया कि इस तरह से उनको देखा, तो ये डर गई कि नहीं तुमको तुमके सपने आ रहे हैं। और फिर मैंने ऑफिस में जो था उसको किसी को फोन किया, नहीं मालूम करो क्या है, तो उन्होंने मालूम किया कि उनकी एज करीब 70 के आजू बाजू थी, बोले हाँ वो बुढ़ा तो बिल्कुल जिंदा हो गया, मरने वाला था। तो मैंने गुरु जी को धन्यवाद बोला कि वो पूरी तरह से ठीक हो गए। इसके बाद में मेरे मन में ये था कि हम उनसे बोले कि आपको गुरु जी ने ठीक किया, हम उनसे मिले नहीं, उसके बाद में कभी हमारी मुलाकात नहीं हुई उनसे, उनसे हुई कभी भी कि मैं उनको बोल पाऊँ गुरु जी ने आपको ठीक किया। गुरु जी होते हैं ना, क्योंकि मैं उसमें सेवा में मंदिर जाता था, सुबह सैटरडे संडे मंदिर में रहता था और बाकी दिन अपने ऑफिस के काम में, तो कहीं भी आना जाना नहीं हो पाता था। तो गुरु जी ने ये भी इच्छा एक दिन हमारी पूरी कर दी कि एक दिन हमने ड्रीम में देखा कि वो मिस्टर गुप्ता और उनकी फैमिली सारे बैठे हुए हैं एक चेयर पे और हम लोग डिनर के लिए बैठे हुए हैं, और हमको जो उनसे बोलना था कि आपका नया जीवन आपको गुरु जी महाराज ने दिया हुआ है, कृपा से आप ठीक हुए हैं,
हमने जिससे भी पूछा उन्होंने कि हाँ उनकी रिकवरी तो जस्ट स्टीप, इतने 3-4 दिन में जो लोग बोल रहे थे बचे गए नहीं, क्योंकि कहते हैं कि ना 10-12 दिन तक किसी को वेंटिलेटर लगा रहे तो बचने के चांस बहुत ही कम होते हैं, तो महाराज ने उनको कृपा की। हमारे एक मित्र हैं प्रेमपाल सिंह, तो नॉर्मली मैं बिजी रहता था, मैंने ऐसे ऐसे एक दिन ऑफिस में बैठे बैठे उनको फोन कर डाला, तो मालूम पड़ा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनके गाल बैठे में स्टोन हो गया। हमारे पास तो हर एक चीज के लिए है, तो गुरु जी महाराज हैं, तो हमने उनको बोला कि आप ऐसा करो, आप गुरुजी, हमारे गुरु जी उनका बड़ा मंदिर, वहां आ जाओ, हो सकता है आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़े, मेरे मुंह से निकला उनके लिए। और वो उस दिन सोमवार का दिन था, आप बड़े मंदिर आ गए, आगे हुई, उसमें बहुत कम संगत हुआ करती थी, मतलब संगत ही प्रसाद लेके आती थी और उन्होंने खाया प्रसाद, और उन्होंने बोला कि आप ऑपरेशन मत करना, लेकिन वो मंडे था उनका, नहीं थर्सडे को मेरा मैक्सिमम ऑपरेशन है, तो हॉस्पिटल आ जाना। हमने कहे नहीं, मैं तो हॉस्पिटल नहीं आ सकता, जो करना है तो गुरु जी करेंगे, और मेरा तो ट्रैवल काफी रहता था, मैं काफी ट्रैवल करता था, मैं तो बॉम्बे जाना हूँ, तो मैं तो नहीं आ पाऊंगा। ठीक है, उनका ऑपरेशन हुआ, मैं आई थिंक फ्राइडे को लौट के वापस आया, तो मैंने उनको फोन किया, तो उन्होंने बताया कि नारायण देखो मेरा ऑपरेशन तो हुआ, और जहाँ गाल बेटर के स्टोन ऑपरेशन में कट लगाया था, 3-4 इंच का कट लगता है, तो बोले काफी लोगों का ऑपरेशन था, सभी के दर्द हुआ था, हमारे तो बिल्कुल दर्द नहीं हुआ। हमारे दर्द नहीं हुआ तो हमने डॉक्टर से पूछा कि भाई ये गाल बेटर का आपने मेरा ऑपरेशन किया है तो इसमें पत्थर निकला नहीं निकला, तो 2.5 इंच का स्टोन मिला था उसके अंदर, वो गाल बेटर उन्होंने देखा तो उसके अंदर स्टोन नहीं था, केवल सैंड था, जैसी महाराज की मर्जी, बट गुरु जी महाराज ने उनके कष्ट काट दिए, और उनके द्वारा आई थिंक उनके मतलब कई सौ संगत उनके द्वारा महाराज ने जोड़ी। और कहते हैं कि गुरु जी आपके ये तो हो गए, हमारा मित्र हो गए, एक हमारे जो कुलीग हो गए। मैं आपको एक सत्संग और सुनाता हूं कि गुरु जी कृपा के बिना मुक्ति भी नहीं मिलती है। तो हमारे जो फ्रेंड हैं जो गाजियाबाद में रहते हैं, उनकी मदर इन लॉ थी, तो मदर इन लॉ की तबीयत इतनी खराब थी कि उनके शरीर में, और वो उन्हीं के पास रहती थी, उनके शरीर में उनको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट का प्रॉब्लम, गैंग्रेन सब कुछ था, बैड एडन थी। उनकी बेटी भी चाहती थी इनको कैसे भी मुक्ति मिल जाए। तो वो एक दिन जो मेरे जो फ्रेंड है जो बड़े मंदिर आए, तो उन्होंने बोला कि आप मंदिर से समोसा प्रसाद ले जाओ और उनको भी खिला देना। तो अब वो उनकी जो बेटी थी, मेरी जो भाभी जी हैं, वो भी चाहती थी इनको कैसे भी, क्योंकि वो किसी हालत में नहीं थी कि वो जीवन जी सके। उन्होंने जिस दिन प्रसाद खिलाया था, उसके एक या दो के बाद में गुरु जी महाराज ने उनको मुक्ति दे दी, और उन्होंने मेरे को फोन किया। इस तरह से मैं गया उनके वो अंतिम संस्कार में, वहां पर भी मेरे को गुरु जी की बहुत ही तेज प्रेजेंस आई, यहाँ महाराज ने ही उनके ऊपर कृपा की। मैं एक सत्संग और सुनाता हूँ आपको कि आपके सराउंडिंग में जो भी लोग आपसे अटैच्ड हैं, उनका भी महाराज कितना ध्यान रखते हैं। हमारा जिस कंपनी में जॉब करता हूँ, उसमें एक सप्लायर है मिस्टर कामत, तो मेरे को किसी काम की जरूरत थी, तो मैंने उनको शाम को 7 बजे फोन किया, तो उन्होंने फोन उठाया, थोड़ी देर बाद बोले नारायण आनंद हॉस्पिटल, क्या हो गया? कि मेरी वाइफ को प्रॉब्लम है, यानी कि वो कोमा में है, और उसको जो ब्रेन में एक नहीं आपके कैबेज में कुछ वायरस होता है, वो कहता ब्रेन में चले जाता है, तो ब्रेन में जाता है तो पूरा ब्रेन लोग कोमा में चले जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि 7 मंथ से ये कंडीशन है, और मैं डेली आता हूँ, और कोई और केयर करने वाला नहीं है। तो मेरे को ऐसा लगा कि वो सारा का सारा पेन जो उनको हो रहा, वो मेरे को पूरा फील हुआ। तो मैंने अपनी आंटी से बोला कि ऐसे ऐसे है कि इनके पास गुरु जी का स्वरूप हम भेज दें, क्योंकि कहते हैं गुरु जी का स्वरूप गुरु जी महाराज साक्षात हैं। तो ठीक है, भेज दो, हमारा आपस में एग्रीमेंट हो गया। तुम शाम को महाराज के प्रार्थना की, हमें गुरु जी के ऊपर कृपा करो, एनी हाउ जब हमारा आपस में एग्रीमेंट हो गया कि सुबह हमसे बात करके हमें कूरियर से बॉम्बे गुरु जी का स्वरूप भेज देंगे। जब हमने सुबह 8 बजे उनको फोन किया, तो फोन उनके किसी रिलेटिव ने उठाया, मिस्टर कामत के, तो बोलते हैं कि ना कि मिस्टर कामत इज बिजी इन कमीशन ऑफ हिज वाइफ,
मैं इतना सुना तो मैंने गुरु जी महाराज ने जो 7 महीने से उनकी जो आत्मा उस शरीर में फंसी हुई थी तो केवल महाराज से प्रार्थना करने मात्र में ही गुरु जी ने उनको मुक्ति दे दी। ये भी चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ, मिस्टर कामत को नहीं मालूम, मैंने कभी उनसे गुरु जी के बारे में शेयर किया। और हमने अच्छा जब मैं हमने सत्संग भी काफी सुने गुरु जी के, तो सब लोग बोलते थे गुरु जी ने हमको दर्शन दिए शिव जी के रूप में। जो हमने आपको शुरू में बताया था ना कि हम पैशन में जाता था, वो कुछ इंसिडेंट थी गुरु जी महाराज की साक्षात शिव जी के रूप में दर्शन की, वो मेरे को मैंने देखा मैं भूल गया। और बहुत सालों के बाद में मेरे को रिकॉल हुआ कि हाँ गुरु जी महाराज ने हमको भी साक्षात शिव जी के रूप में दर्शन दिए। एक और घटना है एम्पायर स्टेट में दर्शन की, हम गुरु जी के पास जाते थे तो नॉर्मली गुरु जी के चरण स्पर्श करते थे, तो गुरु जी ने एक दिन मेरे सर पे हाथ फेरा। मेरे को तो ऐसा फील हुआ कि भाई उन्होंने बाई मिस्टेक हाथ मेरे टच कर दिया। तो हम सत्संग में गए तो कुछ बात हो रही थी, तुम्हारे पुष्करना अंकल हैं बड़े के जो फादर हैं, उन्होंने कि अरे उस दिन तो गुरु जी ने आपके सर पे हाथ फेरा है, आपके सर पे हाथ रखा है, आपको ब्लेस किया है। एनी हाउ अब मैं आपको एक सत्संग सुनाता हूँ। हमारे मित्र हैं वो हमारे नेटिव प्लेस में रहते हैं, तो हमने उनको गुरु जी के बारे में काफी बताया। तो वो बिजनेस करते हैं, काफी ट्रक्स वगैरह थे, काफी बड़ा बिजनेस था उनका। और वो क्या हुआ कि जब बुरे दिन आते हैं तो बता के नहीं आते हैं, उनका फाइनेंशियली वो काफी अनस्टेबल हो गए। हमें नहीं मालूम था कि वो हमको फोन करते थे कि नारायण ऐसा ऐसा है, मेरा ये प्रॉब्लम चल रहा है, अपने गुरु जी को बोल देना। मैं बोलता ठीक है, मैं गुरु जी को बोल दूंगा, मैं उनसे बोल देता, मैं ज्यादा बात भी नहीं करता था। फिर वो एक दो दिन बाद फिर फोन करते थे, हाँ नारायण अंकल वो हो गया काम, थैंक यू गुरु जी को थैंक यू बोल देना। फिर हफ्ते बाद फिर उनका फोन आया कि अब मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई है। अच्छा वो फोन हमको तभी करते थे जब उनको समस्या होती थी, और वो हमको फोन करते थे गुरु जी महाराज की कृपा से उनकी जो समस्या होती थी वो ठीक हो जाती थी। गुरु जी उनको कैसे ब्लेस करते थे हमें नहीं मालूम, बट वो ठीक हो जाते थे। तो गुरु जी ने उनको इस तरह से जोड़े रखा। और काफी समय बाद वो एक बार गुड़गांव आए तो हमने उनको बोला कि हम आपको बड़े मंदिर लेके चलते हैं। तब फिर वो बड़े मंदिर गए, तब उनको मालूम पड़ा कि महाराज ने तो समाधि रखी है। और गुरु जी को जिसको जोड़ना होता है और जिसकी कोई कृपा कमी होती है वो करते हैं, लेकिन उनका समय इस तरह था, डिप्रेशन में वो इतने ज्यादा थे, वो कहते कि गुरु जी ने हमारे ऊपर कृपा की नहीं होती तो मैं शायद सुसाइड कर लेता। उनकी जो मेरी भाभी जी हैं जो प्रवीण शुक्ला जी हैं, तो उनके यूट्रस में कैंसर था। हम जब भी जाते थे मैं अपनी हॉलीडे पे उनसे मिलते थे तो उनका डे बाई डे वेट कम होता रहता था। तो हमारे पास गुरु जी का स्वरूप था तो हमें तो यही मानता था कोई भी तकलीफ में कहीं भी उसको गुरु जी महाराज का स्वरूप दे दे, गुरु जी साक्षात हैं। तो जब हमने गुरु जी का स्वरूप सबसे पहले हमने उनको दिया, जब हमने गुरु जी का स्वरूप उनको दिया उसके अगले आई थिंक बाद में वो डॉक्टर पास लेके गए, डॉक्टर ने उनका जो भी ऑपरेशन किया, वो डॉक्टर बोला अगर आप नहीं आते तो आपको ये इतना पूरे बॉडी में फैल जाता और आप जीवित रहने की व्यवस्था में नहीं थे। ये भी महाराज ने उनको नया जीवन दिया। हमारा जो नेटिव प्लेस है हमारे चाचा जी हैं वो एक्सपायर कर गए थे और उनकी एक बेटी थी, तो उसकी शादी नहीं हो रही थी, शादी नहीं हो रही थी। वो मेरी चाची जी बहुत परेशान रहती थी, कभी इसकी शादी हो जाए, और वो रिश्ते के लिए कहीं यहाँ वहाँ पे सब घूमते रहते थे। तो मेरे चाचा जी का जो बेटा है वो फोटोग्राफी करता है, उसका फोटोग्राफी का बिजनेस है। तो हमारे पास एक गुरु जी का छोटा सा स्वरूप था, ये आई थिंक जब हम फर्स्ट टाइम गए थे अपने नेटिव प्लेस में, तो मैंने अपनी उस सिस्टर को दिया, हमने ये गुरु जी का स्वरूप है इसको आप रख लो, गुरु जी का मंत्र जाप किया करो। उन्होंने उस स्वरूप से बड़ा थोड़ा बना के अपने घर में लगाया। और उस रात में मेरा जो कजिन ब्रदर है उसको गुरु जी ने सारे देवी देवताओं के पूरी रात में दर्शन कराए। अब जो उस लड़की की मेरी सिस्टर की जो शादी की बात थी, तो लड़का नहीं मिल रहा था, वो कई सालों से परेशान थे,
तो ऐसे मेरे मन में होगा कि इसकी शादी है ना अगले 2-3 महीनों में ये हो जाएगी। अब वो चाहती थी मेरी चाची की जो लड़का मिले जिससे शादी हो घर के पास में ही हो, घर से आई थिंक 35 किलोमीटर दूर पे ही मिल गया, और जो वो समझते थे उससे अच्छी से अच्छी शादी गुरु जी महाराज ने उसको कराई। केवल गुरु जी का स्वरूप हमने दे दिया था, गुरु जी का बोला कि मंत्र जाप किया करो बेटा, तो उन्होंने गुरु जी का मंत्र जाप किया, वो पूर्ण रूप से जो असंभव चीज उनको लग गई थी गुरु जी महाराज ने उनको किया। अब मैं आपको अपने जो हमारा नेटिव प्लेस है वहां के बारे में बताता हूँ कि गुरु जी महाराज ने सत्संग कैसे चालू किया। हमारा नेटिव प्लेस मैनपुरी में है तो यूपी में, तो हमारे जो क्योंकि मैं तो गुड़गांव रहता था तो हमारी मदर जो थी उनकी जब भी कभी तबीयत खराब होती थी तो कहते ना जब आपके फैमिली में कोई भी अगर बीमार है तो आपको महाराज के पास जाओ तो महाराज की ब्लेसिंग से उसको भी ब्लेसिंग मिलती है और उसको महाराज कृपा करते हैं। तो जब भी मेरी मदर की तबीयत खराब होती थी मैं गुरु जी के पास बड़े मंदिर जाता था, अरदास करता था, प्रार्थना करता था, वो उनकी तबीयत ठीक हो जाती थी। ऐसा कई बार हुआ। एक बार क्या हुआ, मेरे भाई का फोन आया सुबह सुबह 5 बजे की मम्मी की तबीयत ठीक खराब हुई, बोल नहीं रही है, तो वो कहते हम उनको ले जा रहे हैं डॉक्टर के पास। तो मैंने बोला बोले लगेंगे भी, तो वो एडमिशन कराया डॉक्टर के पास, लेके गए और उनका शायद ब्लड प्रेशर बढ़ गया था, तो गुरु जी ने ऐसा कराया कि उनको हॉस्पिटल अच्छा मिल गया। अब मेरे भाई साहब बड़े वाले फोन करके ये बोलने नहीं उनके यानी कि बोले लगेंगे, तो बोलने लगी। बोलने के बाद में फिर वो इतना ज्यादा बोलने लगी, एनी हाउ महाराज ने उनको ठीक किया वो। और उस समय ये गुड़गांव में एनुअल सत्संग हुआ करते थे, तो उसमें एनुअल सत्संग था, तो मैंने तो क्योंकि हमारे सैटरडे संडे महाराज की सेवा मंदिर में हुआ करती थी, तो मैंने बोला कि मैं तो तभी आऊंगा जब गुरु जी ये घर पहुंच जाए, और मैं तो सत्संग के बाद नहीं आऊंगा। अब वो उनकी तबीयत खराब थी तो ठीक होकर घर आ गए, बट वो कमजोर काफी थी। तो गुड़गांव में सत्संग हुआ तो सत्संग में जो जल प्रसाद के उसमें जो कप्स होते थे ना वो काफी बच गए थे, बहुत सारे कार्टन बच गए, तो मैं 5-6 कार्टन में घर लेके आ गया था। उनमें से जब मैं उनको घर लेके आ गया तो मैं सत्संग के अगले दिन मैं उनको अपने घर जाने के लिए मदर को देखने के लिए गया, तो मैं उसमें से काफी से 20-25 वो वाटर के कप रख लिए, उनके रास्ते में पानी पीने के लिए काम आ जाएंगे, और एक तो ले जाएंगे उनको जल प्रसाद के रूप में दे देंगे मम्मी वगैरह को अपनी। तो मैं पहुंचा वहां पे, मैंने सारा पानी जो प्रसाद जल प्रसाद कप सारे में पी गया, केवल 2 या 3 बजे थे। एक तो हमारे फैमिली के जितने में पता है मैं सबको बुला दिया, दूसरा खोल के हमने अपने मदर को दिया गिलास में डाल के। तो बोलती है बेटा इसके अंदर तो बहुत खुशबू आ रही है, गुलाब की खुशबू आ रही थी, क्या तुमने गुलाब जल डाला है? हमने कि ये नहीं हमारी गुरु जी की फ्रेग्रेंस है, ये गुलाब जल नहीं है। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैं 2 दिन वहां पे रुका, मैंने उनके लिए पास बैठा अपनी माँ के पास में, तो मैंने अगले दिन सुबह चाकू से काट के सेब खिलाए। आप सभी को मतलब जब मैं सेब उनको काट के खिलाना था वो कहती है बेटा इसमें भी बहुत ही खुशबू आ रही है, वो गुलाब वाली फ्रेग्रेंस की, गुरु जी की जो फ्रेग्रेंस होती है वो उसके अंदर आ रही है। सेब को काट के आपको खिलाता रहा, मनी मनना गुरु जी की प्रेजेंस है, वो आपके साथ में है यहाँ पे भी। एनी हाउ हमारे जो भाई हैं और भाभी जी हैं बोले, मैंने कहा मैं 2 दिन के लिए गया था, मैंने कहा मैं तो जा रहा हूँ, तो बोले कि भैया जितना इनकी तबीयत ठीक हॉस्पिटल में नहीं है हुई है, आप 2 दिन यहाँ पर रहे हैं, 2 दिन में क्या चमत्कार हुआ है, तो बहुत ही ठीक हो गई है, पूरी तरह ठीक हो गई है, क्योंकि इनके अंदर वीकनेस और जो भी प्रॉब्लम थी तो महाराज ने पूरा का पूरा उनको ब्लेस किया, उनको ठीक किया। अब मैं आपको बताता हूं कि गुरु जी महाराज किस तरह से सबके ऊपर आपके परिवार के ऊपर कृपा करते हैं। मेरी इच्छा हुई कि जो हमारा जो नेटिव प्लेस है जहां मैंने जन्म लिया है वहां पे गुरु जी महाराज सबको ब्लेस करें, ये विचार आया। तो हुआ क्या कि मेरी मदर की तबीयत खराब हुई और वो एक्सपायर कर गई। मेरे पास फोन आया तो महाराज का आदेश हुआ तो जा गया इस बार, तो मैंने गाड़ी उठाई मैं गया, और मेरी मदर के साथ में उनकी बॉडी
बॉडी रखी थी, हम लोगों ने पूरी रात बैठ के गुरु जी के वहां सत्संग किए। नेक्स्ट दिन का जो अंत्येष्टि जो कुछ हुआ सारा सब कुछ हुआ, और हमारे यहाँ पे 13 दिन का होता है पूरा, 10 दिन बाद कुछ कहते हैं सबकी होती है, क्योंकि मैं बाहर रहा हूँ तो मेरे को ये सारे रीति रिवाज ज्यादा मालूम नहीं है। हम तो गुरु जी से जुड़े हुए हैं जब से, तो हमने बोला कि हम गुरु जी का सत्संग करेंगे घर पे। तो सारे लोग बोले नहीं नहीं आप घर में पूजा नहीं होती है, आपके घर में वो है कमी है, और इस तरह की काफी बातें हुई कि कौन आएगा तुम्हारे यहाँ पे ऐसा वैसा। तो मेरा मन बहुत उदास हो गया। तो मेरे जो भाभी जी हैं उन्होंने बोला, मैं बैठा था मैं ठीक है मैं चुप हो गया, मैंने ये लोग नहीं चाहते हैं सत्संग को तो नहीं करेंगे सत्संग। तो करीब करीब 5 बजे मेरे पास आए कि भैया मेरे पास बिल्कुल साफ नई बेडशीट है, नया ये है ये है, किसी ने टच नहीं किया है, तो हम गुरु जी का सत्संग करें, आप सत्संग करो। ठीक है, हमने जैसी महाराज की मर्जी, गुरु जी का स्वरूप था, गुरु जी का आसन लगाया, बाहर से हमने समोसे मंगा लिए, हमारी फैमिली के ही 40-50 लोग थे जो सारे उस दिन वहां बैठे, मेरी सिस्टर भी थी। उस समय तक गुरु जी के पास तो हम ही आ जाते, हमारे परिवार को कोई नहीं गया था। तो गुरु जी का सत्संग हुआ, मेरे मन में केवल एक ही डाउट था कि गुरु जी महाराज यहाँ पे आए, हमने सही किया गलत किया, वो आए कि नहीं आए, हमको देखा नहीं देखा। अब सारी सत्संग हो गया, सारे लोग डिस्पर्स हो गए, 9:30 बजे मेरी सिस्टर रहती है मथुरा में, तो वो बोलती है कि भैया नहीं क्या ये सत्संग हुआ था ना, तो गुरु जी इस पे आसन में बैठे हुए थे। अच्छा, मैं और बताओ, कहता कि मैं सोच रही थी कि मम्मी तो चली गई है, तो अब तुम हम सबका ध्यान इनका कौन रखेगा यहाँ पे, तो गुरु जी मेरे तक देखे मुस्कुराने लगे। तो गुरु जी का सत्संग हुआ, गुरु जी महाराज हमारे घर पे आए, उन्होंने मन से यही डाउट निकाल दिया कि सब कुछ सही है। हमने उनकी प्रार्थना की, उन्होंने पूरे हमारे परिवार को ब्लेस किया उस दिन। फिर हमने सबसे बोला कि आप सब लोग हर महीने के पहले सोमवार को गुरु जी का सत्संग किया करो। वो तब से महाराज की कृपा चल रही है, काफी संगत जुड़ गई वहां पे, बहुत लोग आते हैं और सबके यहाँ पे गुरु जी ब्लेस करते हैं। बहुत लोग आते हैं जिनके बेबी नहीं था, उनको 10-10 साल से नहीं हुआ था, वो गुरु जी के सत्संग गए, उन्होंने प्रसाद खाया, उनको गुरु जी ने बेबी ब्लेस किया, किसी की और प्रॉब्लम बहुत सारी समस्याएं जो थी महाराज ने लोगों की यहाँ पे दूर की है, और काफी संगत वहां पे जुड़ गई। जो हमारे मित्र हैं प्रवीण शुक्ला जी, तो वो भी सत्संग आने लगे। हमारी इच्छा थी कि भाई उनके घर पे भी एक बार वो अपने घर पे ले गए, उन्होंने अपनी छत पे बहुत बड़ा हॉल बनाया जिसमें कम से कम 100-125 लोग बैठ सके। तो मेरे मन में विचार आया कि इसमें तो महाराज का सत्संग ही होना चाहिए, इतने बड़े में कौन क्या होगा। अब फिर मेरे से बोले कि हमको भी सत्संग करना है, हमें सत्संग तो हो रहा वहीं जाया करो, बट महाराज की मर्जी थी तो उनके यहाँ पे भी हमारे नेटिव प्लेस में हर पूर्णमासी को गुरु जी महाराज का सत्संग होता है और काफी संगत आती है। गुरु जी महाराज सबको ब्लेस करते हैं, गुरु जी को बाकायदा वहां पे प्रेगनेंस आती है और गुरु जी महाराज की बहुत कृपा है, मतलब उनके सबके ऊपर। तो मैं तो चाहता हूँ कि जो हमारी इच्छा थी, अच्छा जो प्रवीण शुक्ला जी हैं उन्होंने बोला कि हमारा सत्संग होता है आपको, मतलब मेरे को और मेरी आंटी सुनीता को, आप दोनों को आना सत्संग। अब हम लोग तो मैक्सिमम के मैं जॉब करता हूँ उसमें बिजी रहता हूँ, मेरे सैटरडे संडे बंद है और कोई मेरा दूसरा कोई स्थान है नहीं महाराज के अलावा। तो ये इच्छा उनकी थी। तो मेरे भाई है पंकज, उसकी वाइफ का नाम नीतू है। एक दिन मैं था रुद्रपुर में, उस दिन पूर्णमासी थी, उनका सत्संग हुआ। वो रात को मेरे को फोन कर रहे हैं कि भैया गाँव में, मैं तो बाहर आया हूँ अपने काम से ट्रैवल कर रहा हूँ, तो आज सत्संग था उनके यहाँ पे, हम लोग गए हुए थे और आज गुरु जी आए। कैसे आए बताओ? कहने गुरु जी व्हाइट कार में आए, और कहते हैं गुरु जी के साथ पीछे मेरी आंटी सुनीता बैठी हुई थी और आगे आप बैठे हुए थे कार में। कार उनके घर के बाहर रुकी, आप लोग बाहर उतरे, आपके हाथों में फूल थे, आप आगे गए फूल ला लेते, गुरु जी आगे चलते आ रहे थे और आप सभी ने बिल्कुल सफेद वस्त्र पहने हुए थे,
और गुरु जी आके आसन में बैठ के उन्होंने सबकी तरफ देखा। तो देखो गुरु जी जो आप लोगों के हमको भी उन्होंने ब्लेस कर दिया इस तरह से, वहां दर्शन देते उन लोगों के जो मन की इच्छा थी वो भी पूर्ण कर दी कि महाराज ने दर्शन दिए और उनको ब्लेस किया। बहुत सारे सत्संग है, मतलब कि आई थिंक टाइम एक घंटा पूरा हो गया है, तो मैं अपनी वाणी को ही विराम दूंगा और नेक्स्ट टाइम होगा तो मैं जो इसको कंटिन्यू करूंगा। गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद और गुरु जी की बहुत बहुत कृपा, उन्होंने आज मेरे को जो की कृपा मेरे ऊपर हुई उसको आप सबके बीच में शेयर करने का मौका दिया। कहते हैं गुरु जी का सत्संग जो भी सुनता है और सुनाता है दोनों लोगों के ऊपर सभी चीजों के ऊपर कृपा होती है। और अंत में मैं एक चीज और बताऊंगा कि भाई आंटी ने बोला था वो बताना में जरूरी है कि जब गुरु जी ने समाधि ली थी और उस दिन समाधि से पहले का जो सोमवार था वो आज का ही दिन था और उस दिन हमने छुट्टी ले ली थी। कहते हैं गुरु जी बोलते ना बड़े मंदिर का बड़े मंदिर बहुत बेसिक, उसमें बहुत ही कम संगत बड़े मंदिर सोमवार के दिन जाया करती थी, तो हम छुट्टी लेके बड़े मंदिर गए शाम को 6 बज गए करीब करीब। और 6 बज गए तो हम लोग मंदिर बंद हो गया, संगत को लिया गया जाओ छुट्टी, तो मालूम पड़ा कि गुरु जी आ रहे हैं। हम लोग गेट के बाहर थे कि गुरु जी ने महाराज ने आज्ञा दी कि संगत को बुला लो अंदर, हम लोग सारे अंदर आ गए। ज्यादा लोग नहीं थे, करीब 30-35 लोग होंगे संगत के। फिर गुरु जी जो लॉन है वहां पे कुर्सी पे बैठ गए, फिर गुरु जी ने सबको प्रसाद दिया। मेरा छोटे बेटे मेरे साथ में था, हर एक आदमी चाहता है कि उसके बच्चों को भी सबसे पहले प्रसाद मिल जाए, तो मैं गुरु जी के पास गया। इसमें दो चीजें हैं वो मतलब मैं आपसे शेयर करूंगा। जब मैंने गुरु जी के मैंने कहा आज गुरु के मैं चरण में चूम ही लूंगा, मैं आज तो यहाँ बैठे हुए एम्पायर शिप में तो मिलता नहीं था, मैंने गुरु जी के दोनों पैर पकड़ के चूमे। जब मैंने महाराज के चरण चूमे उस दिन मेरे को ऐसी ऊर्जा और ऐसी एनर्जी मेरे बॉडी के अंदर गई, मैं आपका बखान नहीं कर सकता, इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, मैं नहीं बता सकता आपको, शब्द नहीं है मेरे पास। अब प्रसाद देने की बात आई, मैं छोटे बेटे के हाथ आगे करूं, वो हाथ नीचे करे, मैं आगे तुम करे ही नहीं, जैसे तैसे गुरु जी ने हमारे हाथ में प्रसाद रखा। अब लाके फिर मैंने वहीं बैठ के प्रसाद बेटे को खिला रहा था, भाई उसने आधा खाया फिर आधा मैंने खा लिया। तो वो दिन जो लास्ट हमारी मुलाकात गुरु जी महाराज से थी वो आज के दिन ही हुई थी। उसके बाद में अगले वो 31 मई को महाराज ने समाधि ले ली। तो आज का दिन बहुत ही स्पेशल है, जब हमने महाराज के अंतिम बार साक्षात दर्शन किए थे, गुरु जी के हमने चरण चूमे थे। तो हम सभी से रिक्वेस्ट करेंगे, प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, हम सभी को महाराज की से प्रार्थना करनी चाहिए मिलके, कि जो भी आज का कल जो संकट चल रहा है कोरोना का हमारे देश में संगत, मैं तो समझता हूँ कि गुरु जी की सारी सृष्टि ही संगत है। जो लोग उनके पास जा रहे हैं वो ज्यादा उनके प्रिय हैं, बट बाकी भी उन्हीं के ही है। हम सबको प्रार्थना डेली करनी चाहिए महाराज से कि महाराज कृपा करें, कष्ट जो भी है समय है उसको निकाल लें और सभी संगत सभी के ऊपर कृपा करें। जय गुरु जी। मैं अपनी वाणी को यहां विराम दूंगा। जय गुरु जी।